एक साल पहले हम पहुँचे हुए थे बड़हड़िया विधानसभा के सोलौर गांव में, जो कि पूर्व विधायक का गांव भी है और यहां उनके पुत्र जो हैं संजय मुखिया, वो उनके पुत्र हैं जो इस पंचायत के सोलौर पंचायत के मुखिया भी है। तो वहां यहां पे पहुंचने के बाद हमें पता चला था कि वार्ड में कोई भी नल जल की व्यवस्था नहीं है। हमने इसके लिए न्यूज भी बनाया था और आपने सुना भी होगा कि नीतीश सरकार की सबसे बेकार कोई योजना है तो नल जल योजना है, किसी न किसी के मुंह से आपने सुना होगा। लेकिन वो बेकार योजना क्यों है, अगर कोई काम कराता है तो वो सबसे अच्छा योजना भी हो सकता है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं नल जल का ये टंकी है और सही लागत से अगर कोई भी मुखिया, वार्ड और जितने भी इंजीनियर हैं वो पैसा ना खाएं तो इतना खूबसूरत भी नल जल का टंकी बन सकता है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाई गई है और ये इसमें टीना ओना का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत जगह ये भी देखने को मिलता है कि जिसमें टीना का ऊपर से नीचे तक बना दिया जाता है, जो कि 5 साल पूरा होने के पहले ही ध्वस्त हो जाता है। जो वर्तमान वार्ड होते हैं उनके कार्यकाल तक तो ठीक होता है, लेकिन आगे आने वाले जो वार्ड होंगे उनके लिए समस्या पैदा हो सकता है। लेकिन इसका ये देख सकते हैं कि पूरा परमानेंट टंकी बन चुका है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 5 या 10 से 20 सालों तक भी कोई समस्या होगी इस टंकी में और यहाँ के जितना ये भवन बना है इसमें। टाइल्स मार्बल से ये बना हुआ है अंदर का। तो मैं उन सारे वार्डों को ये दृश्य दिखाना चाहूँगा जिसका अभी तक नल जल का टंकी नहीं बैठ पाया है कि इनको भी उतना ही पैसा मिला है जितना कि आम वार्ड को मिलता है। उतना ही पैसे के अंदर ये इतना अच्छा काम हो सकता है, तो आपके द्वारा ये अच्छा काम क्यों नहीं हो सकता है। देख सकते हैं कि मार्बल टाइल्स भी लगा हुआ है, अंदर का जो पेंटिंग भी कितना अच्छा किया गया है। हम अभी तरवारे की तरफ जा रहे थे तभी एक गांव बीच में आया सोलौर, जिसका विकास की खोज हमने 1 साल पहले किया था, जिसकी रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर थी। वहाँ पे हमने सोचा कि एक बार और देख लेते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे खबर का कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो रास्ते में मैं जब इस गांव के तरफ बढ़ा तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा। ये रोड के दोनों तरफ काफ़ी पेड़ पौधे लग चुके हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया है और बहुत सारे गांवों को हमने जाकर देखा है, लेकिन वहां पर जल जीवन हरियाली का कोई रूप हमें देखने को मिला नहीं है। पेड़ पौधे का ये जो नज़ारा दिख रहे हैं सड़क के किनारे, बहुत ही कम 1 या 2 ऐसे गांव पंचायत मिले हैं जहां पर ये दृश्य देखने को मिला है कि सड़क के आसपास इतनी सारी पेड़ पौधाएँ लगी हुई हैं। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा यहाँ के मुखिया को, ग्राम पंचायत सोलौर के माननीय मुखिया जी संजय कुमार सिंह जी हैं। यहाँ के विकास बतावला से ना रहुआ लो साक्षात अपना नज़र से देख सकते नहीं। जौन भी नल जल योजना के काम बा, चाहे वृक्षारोपण के काम बावे, चाहे और भी जितना भी काम बावे, हमने के पंचायत के जनता एकर प्रमाण मतलब दी। एवरी चुनाव में भी ओकर प्रमाण मिली मुखिया जी के काम के, जौन भी काम भइल बा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, सारा काम सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीका से आ लीगल तरीका से भइल बावे। आ मुखिया जी बस एगो सोलौर पंचायत के ना बल्कि अगर अगल बगल गांव के भी जनता के सहयोग करेनी हमेशा। आ बस एगो सरकारी फंड ही ना, बाकी जोन भी जन जन के सेवा कहला, लोग के साथ खड़ा रहनी, सेवा करेनी निस्वार्थ भाव से। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिले ला रुआ? हाँ मिलेला। मिलेला राशन वासन टाइम से मिल जाला? हाँ, हर महीना में 400 रुपया मिल जाला। अच्छा। हाँ, अरे राशन मिलेला नु? राशन हाँ, अनाज हाँ मिलेला, अनाजों मिलेला। हाँ, शौचालय का पैसा मिलल बा कि ना? लैट्रिन के पैसा मिलल बा? ना बाबू, हमरा लैट्रिन नहीं के बनल, नहीं के बनल ना। कोई हाली आज लो लिखाई ल का जने जे काहे नहीं के आवत, पई कहले मुखिया कहले जे बनवाओ तो पैसा आई। हां, तो इहे नियम बा, पहले बनवाए में ओकरा बादे आई। हां, कहले जे कोई हाली कहाई जे मुखिया साहब हमरा बनवा दी लैट्रिन, आ तो एथि करब बनवाओ तब ना पैसा आई कहले।
अच्छा इंदिरा आवास के पैसा वैसा मिलल बा, घर और बनल बा? हाँ घर बन गई। हाँ सरकार के तरफ से कुछ पैसा मिलल बा? हाँ मिलल रहे। अच्छा हाँ नल जल के पानी आवेला? हाँ लागल बा ये घर के आवेला। आवेला न? हाँ चली हाँ। विकास कुछ लौकता रहुआ? हाँ सब हमरा गांव में बबुआ लाग गई बा पाइप जोन बा तवन। हाँ। सबका दुआर पर अब गए बबुआ का दुआर पर गिरत रह बंद कह के आवतनी हजीरे गिरत रह स्कूल पर तो बंद कह के हम जरे पानी बेकरनी गिरत लैकन का लूर नहीं खा खोल देते रह सन। हाँ इतना भइल बा। भइल बा? हाँ खुश बानी मुखिया के काम धाम से? हाँ तो खुश न बानी सन। हाँ अब गाँव का मुखिया है अभी बाबू आ उती मधिम करते बानी अभी का कहा बाबू। ये तो बहुत विकास किए हैं। हाँ। नल जल से लेकर वृक्षरोपण रोड पेंशन योजना से लेकर बहुत काम किए हैं। अच्छा कोई यहाँ पेंशन के लिए छूटा नहीं है, जो भी आ रहा है उसके लिए। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन का भी व्यवस्था ठीक ही है, राशन भी मिल रहा है हर महीने। हर महीना टाइमली मिल जाता है? टाइमली मिल जाता है, राशन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो गरीब है उनको राशन कार्ड बनाना है कि नहीं? अभी 1500 राशन कार्ड बना कर दिए हैं गरीबों को मुखिया जी। सिर्फ आपके पंचायत से? हाँ हमारे सोलोर पंचायत से मिलाकर और दूसरे पंचायत को भी बनवा के दिए हैं। हाँ अपने की क्या कौन बात करे, दूसरे के भी बनाए? हाँ दूसरे के भी बनाए हैं। दूसरे पंचायत में भी जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं था वो आता था तो मुखिया जी बनवा कर दिए हैं। और निस्वार्थ एकदम, कोई किसी से लेना देना नहीं, बनवा कर खुश है यहाँ की जनता। बहुत जनता खुश है मुखिया से? हाँ बहुत खुश है। इस बार कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जीत ही नहीं की है। जीत ही नहीं किया निश्चित है। काम तो दरअसल बहुत किया गया है, रोड का काम भी कम्प्लीट हुआ है। हाँ। और ये नलजल का काम भी देख ही रहे हैं। हाँ। और ये वृक्षारोपण भी बहुत माने काफ़ी मात्रा में हुआ है। अच्छा घर पूरा माने वो अभी नल का नज़ारा देख लीजिए, वीआईपी नल लगा हुआ है।